हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीएससी क्लासेस। अभी तक हमने पढ़ा था डिफेंस ऑफ इंटॉक्सिकेशन, डिफेंस ऑफ इंसैनिटी। अब हम जानेंगे अबटमेंट। तो अबटमेंट जो है हमारा चैप्टर 5 में है, सेक्शन 107 से 120 तक। अब आप सोचोगे कि अबटमेंट कहते किसको हैं, तो अबटमेंट का सिंपल मतलब होता है प्रवोक करना या इंस्टिगेट करना या सजेस्ट करना। तो ये सारी चीज़ें अबटमेंट में आती हैं कि आप किसी को किसी क्राइम के लिए प्रवोक कर रहे हो या समथिंग, ठीक है। तो हमारी ये तो अब इसमें जो दो चीज़ें नेसेसरी होती हैं वो होता है एक्टस रियस और मेंस रिया, ठीक है। अबटमेंट तीन तरीके होते हैं, अबटमेंट बाय इंस्टिगेशन, अबटमेंट बाय कॉन्स्पिरेसी और अबटमेंट बाय एड, ठीक है। तो अब जो है अबटमेंट बाय इंस्टिगेशन, जो है इंस्टिगेशन का मतलब सिंपली आप किसी को किसी चीज़ के लिए उकसा रहे हो, मतलब सुसाइड के लिए या समथिंग, किसी रॉन्ग चीज़ के लिए। इसमें एक केस है एमएम सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात 2010। एमएम सिंह है मनमोहन सिंह। तो इस केस में क्या होता है कि जो एमएम सिंह है ना, उनका ड्राइवर रहता है, उसका शायद बाईपास सर्जरी या समथिंग हुआ रहता है। तो एम एस सिंह बार बार इसको कहते हैं तुम काम सही से नहीं कर रहे हो, मैं तुम्हें फायर कर दूंगा, तुम ये नहीं कर रहे हो, मैं ऐसे कर दूंगा वैसे कर दूंगा। वो परेशान होकर एक दिन सुसाइड कमिट कर लेता है, ठीक है। और एक नोट भी लिखता है एम एम सिंह के लिए कि एम एम सिंह के टॉर्चर की वजह से मैं सुसाइड कर रहा हूँ। अब जो नोट लिखा जाता है और सुसाइड की डेट में 5 या समथिंग 7 डेज का गैप होता है, 5 दिन, मतलब कुछ टाइम पहले लिखा जाता है, उसके 5 या 7 दिन बाद सुसाइड कर लेते हैं एमएम सिंह के ड्राइवर। अब केस ये रेज होता है कि क्या इनके उकसाने की वजह से इन्होंने सुसाइड किया था। तो कोर्ट कहते हैं कि नहीं भाई, कोई भी हायर ऑफिसर जब तक अपने जूनियर को थोड़ा सा डराएगा नहीं, सख्ती नहीं दिखाएगा, तो वो तो कोई काम ही नहीं करेगा। तो इसलिए कहते हैं कि नहीं, उनकी वजह से कुछ नहीं हुआ, उन्होंने तो 5 दिन पहले बोला था ना, लेटर 5 दिन पहले का है और 5 दिन बाद तुम जाके सुसाइड कर लेते हो, तो ये लाइबल नहीं होंगे, ठीक है। अब इसके बाद आता है भाई कॉन्स्पिरेसी। तो अब ये है क्या कॉन्स्पिरेसी, ठीक है। जैसे कि अभी हम आगे भी पढ़ेंगे एक क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी भी है, ठीक है। तो अब अबटमेंट बाई कॉन्स्पिरेसी एक हो जा रहा है, ठीक है। अब तीसरा क्या है हमारा, अबटमेंट बाई एड। अच्छा, अबटमेंट बाई एड क्या है हमारा, अबटमेंट बाई एड ये है कि हम सिंपली किसी को कोई सामान ले जाके दे दे रहे हैं। अगर मानो हमें, हम ए हैं और मुझे बी को मारना है, तो मैं ले जाके एक चाकू दे दे रहा हूँ और बी से कह रहा हूँ जो सी को मार दो, ठीक है। तो मैं ए हूँ और बी को, सी को मारना है, मैं बी को एक चाकू प्रोवाइड कर दे रहा हूँ जो सी को मार दो। तो ये होता है हमारा अबटमेंट बाई एड, ठीक है। अब आता है हमारा सेक्शन 8। सेक्शन 8 है हमारा अबेटर, ठीक है। तो अब अबेटर क्या होता है, अबेटर मतलब है कि कोई भी इन लीगल ऑफेंस के लिए अगर किसी को उकसाया जा रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये है कि अबटमेंट ऑफ अबटमेंट इज ऑल्सो अ क्राइम, ठीक है। अगर अबटमेंट के लिए भी अबटमेंट की जा रही है तो वो क्राइम होगी, वो भी एक क्राइम होगी, ठीक है। अब हम जान गए कि अबटमेंट तीन तरीके से होता है, बाय इंस्टिगेशन, बाय कॉन्स्पिरेसी और बाय एड, ठीक है। अच्छा, कॉन्स्पिरेसी क्या होती है, तो जैसे सिंपली मैं ए हूँ और मेरे घर में कोई बी नाम का नौकर काम करता है। अब बी नाम के नौकर ने चोरों के साथ ये कॉन्स्पिरेसी कर ली कि मैं आज रात को घर का गेट नहीं बंद करूँगा, मैं गेट खुला छोड़ दूँगा और तुम लोग आना चोरी कर लेना। तो ये हो गया भाई कॉन्स्पिरेसी, ठीक है। अब हम जानेंगे कि पनिशमेंट क्या क्या है इसमें। तो पहली है 109 से 114 तक, अबटेड ऑफेंस इज कमिटेड। अगर आप जिस ऑफेंस के लिए अबट कर रहे हो वही ऑफेंस कमिट होता है तो ये, तो इसमें जो पनिशमेंट मिलती है वो उतनी ही मिलती है जितनी उस
ऑफेंस के लिए मिलेगी। जैसे कि अगर हम किसी को मर्डर के लिए अरेस्ट कर रहे हैं तो हमें उतनी ही सज़ा मिलेगी जितनी मर्डर करने वाले को मिलेगी। इसमें एक केस भी है गिरजा वर्सेस एम्परर का, ठीक है। अब दूसरा हमारा है 1015 से 1016 तक, अगर आप जिस ऑफेंस के लिए किसी को अबेट कर रहे हो वो ऑफेंस नहीं हो रहा है, ठीक है। अगर नहीं हो रहा है और या तो हो रहा है पर जितने के लिए आपने अबेट किया था उतना नहीं हो रहा है, ठीक है। अगर ऐसा होगा तो आपको उस पनिशमेंट की मानिए अगर आपकी पनिशमेंट जो आपके ऑफेंस की पनिशमेंट है वो 7 साल है तो आपको उसकी हाफ पनिशमेंट मिलेगी, या आप जो तो ऑफेंस के लिए अबेट कर रहे हो उसकी पनिशमेंट लाइफ इम्प्रिजनमेंट है या डेथ पेनाल्टी है तो आपको 7 साल की सज़ा मिल जाएगी, ठीक है। तीसरा हमारा है अब 117 सेक्शन 117 बाई पब्लिक, अगर आप किसी ग्रुप ऑफ पीपल को या पब्लिक को अबेट कर रहे हो उसके लिए क्या सज़ा है, ठीक है। तो अगर आप इसके लिए अप टू 3 ईयर पनिशमेंट है हमारी और फाइन और बोथ, ठीक है, या तो 3 साल तक की सज़ा या फाइन या दोनों, ठीक है। पर अभी इसमें एक क्वेश्चन ये रोज होता है कि अगर मानो हम किसी को मर्डर के लिए अबेट कर रहे हैं तो हमें 14 साल तक की भी सज़ा हो सकती है, पर अगर हम ग्रुप ऑफ पीपल को मर्डर के लिए अबेट करेंगे तो क्या सिर्फ 3 साल की सज़ा होगी, तो यहाँ पे ऐसा नहीं है। अगर हम ग्रुप ऑफ पीपल को मतलब पब्लिक को मर्डर के लिए अबेट करेंगे तो भी सज़ा हमें फिर उसके अकॉर्डिंग होगी 14 साल के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब हमारा लास्ट है 118 से 120 तक, ठीक है। तो ये हमारा है कंसीलिंग डिजाइन टू कमिट ऑफेंस। अब इसका मतलब होता है कि हम कोई ऑफेंस हो रहा उनके लिए कोई अबेट कर रहा है और हम क्या कर रहे हैं उसको छुपा रहे हैं, ठीक है। तो इसके अंडर हमें पनिशमेंट, तो यहाँ पे जब ऐसा कोई केस रेज होता है ना तो यहाँ पे हारमोनियस कंस्ट्रक्शन लगा दिया जाता है, ठीक है। अब हमने जान लिया कि अबेटमेंट हमारे चैप्टर 5 में दिया है, सेक्शन 107 से 120 तक दिया है। अबेटमेंट 3 तरीके से होता है, इंस्टिगेशन, कॉन्स्पिरेसी और एड, ठीक है। हमारी इंस्टिगेशन में एक केस भी है मनमोहन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात। फिर हमने देखा अबेटर क्या है, फिर हमने देखा कि इसमें पनिशमेंट क्या क्या होती हैं।